हेलो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अदनान और आप देख रहे हैं ये टेक और ये है रिव्यू वीडियो ऑफ टेक्नो कैमन 30s प्रो। जी हाँ, टेक्नो ने अपनी टेक्नो कैमन 30 सीरीज का कह सकते हैं कि आखिरी फ़ोन जो है वो मार्केट के अंदर ग्लोबली लॉन्च कर दिया। इसी तरह है जैसे हमें सैमसंग की गैलेक्सी S24 या S23 सीरीज़ का जब लास्ट आ जाता है या फिर एंड आ जाता है तो यहाँ पर आपको एक FE या फैन एडिशन देखने को मिल जाता है। इसी तरह ही टेक्नो के अंदर टेक्नो ने फर्स्ट टाइम टेक्नो की कैमन 30 सीरीज़ का सक्सेसर या फैन एडिशन कह सकते हैं वो मार्केट के लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम है टेक्नो की कैमन 30S प्रो। फर्स्ट ऑफ ऑल टेक्नो कैमन 30S प्रो के डिज़ाइन और बिल की बात कर ली जाए तो नो डाउट डिज़ाइन काफ़ी अच्छा रखा गया है। ये डिज़ाइन इंस्पिरेशन टेक्नो कैमन 30 सीरीज से ही ली गई है, जैसे सर्कुलर डिज़ाइन बैक पर हमें देखने को मिल रहा है इसी तरह देखने को मिल जाता है इसके अंदर। मगर यहाँ पर जो एक मेजर अपग्रेड किया गया है वो इसके अंदर आपको कर्व डिज़ाइन देखने को मिल रहा है। टेक्नो कैमन 30 सीरीज़ के अंदर थ्रू आउट हमें फ्लैट डिज़ाइन फ्लैट है जिसके साथ ही देखने को मिलता रहा है, मगर यहाँ पर आपको कर्व डिज़ाइन देखने को मिल रहा है। फ्रंट पर आपको किसी किस्म की प्रोटेक्शन नहीं देखने को मिल जाती, फ्रेम प्लास्टिक का रखा गया और बैक भी आपको प्लास्टिक ही देखने को मिल जाती है। IP53 डस्ट एंड स्प्लैश रेजिस्टेंस का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो नॉर्मल सी जो है ना बिल्ड क्वालिटी रखी गई है, मगर डिज़ाइन काफ़ी अच्छा और काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन देखने को मिल जाता है। 3 कलर इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे, इंटरस्टाइल ग्रे और आपको गोल्ड और प्लस आपको सिल्वर ग्रीन कलर देखने को मिल जाएगा। डिस्प्ले की बात की जाए तो यहाँ पर आपको 6.78 इंच की कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल रही है। जी हाँ, यहाँ पर आपको कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले टेक्नो कैमन 30S प्रो के अंदर देखने को मिल जाएगी। साथ ही आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, 1080p की रेजोल्यूशन और 1300 निट्स की बड़ी पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर कर्व्ड एमोलेड फर्स्ट टाइम आपको टेक्नो कैमन 30 सीरीज के अंदर देखने को मिल रहा है, क्योंकि थ्रू आउट सीरीज के अंदर हमें फ्लैट डिस्प्ले देखने को मिल रहा है। अब लोग जो है ना काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं कर्व्ड एमोलेड वाली डिस्प्ले के ऊपर ही। यहाँ पर टेक्नो ने प्रोवाइड तो नहीं किया था टेक्नो कैमन 30 सीरीज के अंदर जो इनकी 30S या 30 के अंदर 30 प्रो के अंदर या 30 प्रो प्रीमियर के अंदर, पर 30S प्रो के अंदर इन्होंने ज़रूर दिया है, क्योंकि अफोर्डेबल के अंदर अफोर्डेबिलिटी के साथ आपको अगर कर्व्ड एमोलेड देखने को मिल जाए तो वो काफ़ी अच्छा हो जाता है और डिस्प्ले काफ़ी अच्छी कर्व डिस्प्ले हमें देखने को मिल जाती है, बेजलेस डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। चिपसेट की बात की जाए तो यहाँ पर आपको हीलियो G99 का सक्सेसर देखने को मिल जाता है, जो कि हीलियो का G100 देखने को मिल जाता है, जो कि 6 नैनोमीटर का बना हुआ प्रोसेसर है। साथ ही आपको मोबाइल का G57 GPU देखने को मिल जाता है। परफॉर्मेंस के लिहाज से तो कुछ ज़्यादा मेजर अपग्रेड नहीं है, थोड़ा सा अपग्रेड कह सकते हैं, थोड़ा सा बूस्ट किया गया परफॉर्मेंस के लिहाज से। बाकी G99 से G100 अब आने वाले जितने भी फ़ोन होंगे मोस्टली आपको ये पहला फ़ोन है जो G100 के साथ आ रहा है, और अब बाकी जो मोस्टली आने वाले फ़ोन होंगे वो भी G100 के साथ ही हमें देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि G99 काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है मार्केट के अंदर, ये कम प्राइस के अंदर आपको ये अच्छी परफॉर्मेंस दे देता है। बात की जाए यहाँ पर कौन सी रैम और स्टोरेज ऑप्शन देखने को मिल जाएगी, तो 8GB रैम के साथ 256GB का स्टोरेज वही है तो देखने को मिलेगा। साथ ही किसी किस्म की फास्ट स्टोरेज ऑप्शन नहीं देखने को मिलेगी, सादा सा आपको रैम और स्टोरेज ऑप्शन का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। कैमराज की बात की जाए तो मेजर डिफरेंस देखने को मिलता है वो कैमराज के अंदर देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको 50MP का मेन कैमरा देखने को मिल जाता है विद स्पॉट ऑफ OIS। साथ ही यहाँ पर एक न्यूली सेंसर जो है ना इंट्रोड्यूस कराया गया है, यहाँ पर आपको सोनी का IMX896 देखने को मिल जाता है, क्योंकि टेक्नो कैमन 30 प्रो की बात की जाए 30 प्रीमियर की बात की जाए तो यहाँ पर आपको IMX890 देखने को मिल रहा था, जो कि काफ़ी अच्छा लो लाइट परफॉर्मेंस के लिहाज से बेहतरीन जो है ना सेंसर था। यहाँ पर इसके साथ अपग्रेड के साथ यहाँ पर आपको 896 देखने को मिल रहा है, जो कि उससे थोड़ा बेहतर है। साथ ही इसके अंदर आपको बेहतर जो है ना जो इसकी नाइट कैपेबिलिटी है उसको और इन्हेंस कर देगा, साथ ही आपको बेहतर इमेजेस साथ बेहतर वीडियो क्वालिटी भी लो लाइट के अंदर बेहतर देखने को मिल जाएगी, क्योंकि कैमराज में टेक्नो ने काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव कर लिया है। साथ ही आपको AI का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जिसकी वजह से कि जो ओवरऑल कैमरा कैपेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो जाती है। साथ ही आपको 2MP का डेप्थ सेंसर और एक लाइट सेंसर देखने को मिल जाता है। फ्रंट पर आपको 50MP का मेन कैमरा भी देखने को मिल जाता है, यहाँ पर OIS की सपोर्ट नहीं है देखने को मिल जाता है। बैटरी कैपेसिटी और फास्ट चार्जिंग की बात की जाए तो यहाँ पर आपको 5000mAh की बैटरी के साथ 45W की फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाती है, और यहाँ पर फर्स्ट टाइम है टेक्नो कैमन 30 सीरीज के अंदर हमें वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट नहीं देखने को मिलता, मगर यहाँ पर जरूर देखने को मिल जाएगा। मगर यहाँ पर याद रखिएगा ये डाउट कवर ये वायरलेस चार्जिंग आपकी वर्क नहीं करेगी, अगर कवर के साथ ही जो है ना वायरलेस चार्जिंग जो है ना काम करेगी। यहाँ पर आपको 20W की वायरलेस रिवर्स वायरलेस और वायरलेस चार्जिंग दोनों देखने को मिल जाती हैं। प्राइसिंग की बात की जाए कौन सी प्राइसिंग के साथ ये पाकिस्तान के अंदर लॉन्च होगा, कब लॉन्च होगा, तो पाकिस्तान के अंदर ये एक्सपेक्टेड है कि 55-60
6000 के अराउंड या अराउंड अबाउट देखने को मिल जाएगा, क्योंकि टैक्सेशन लगने की वजह से प्राइस की जो है फ़ोन की ओवरऑल प्राइस है काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। मगर टेक्नो हमेशा से अफोर्डेबल फ़ोन देता है अफोर्डेबल प्राइसिंग के अंदर, और टेक्नो कैमन 30s प्रो भी है वो भी इसी प्राइस रेंज के अंदर अराउंड हमें देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छा है और काफ़ी अच्छी सिचुएशन काफ़ी अच्छी प्राइसिंग के अंदर आ जाता है। अभी भी इतनी ज़्यादा महंगी नहीं बनती है, 55 से 60 हज़ार की प्राइसिंग, 70 हज़ार तो काफ़ी महंगा हो जाता है, जैसे कि हमें ओप्पो का रेनो 12 4G देखने को मिला था। तो ये इसी मंथ के आपको लास्ट में देखने को मिल जाएगा पाकिस्तान के अंदर, और ग्लोबली भी ऐसा ऐसा लॉन्च होना शुरू हो चुका है, पिछले मंथ ही जो है वो अनाउंस किया गया है, और इस मंथ के एंड में आपको ये मार्केट के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो देखते हैं कि मार्केट के अंदर ये कितना परफॉर्म करता है, जो कर्व्ड एमोलेड वाले डिस्प्ले और अफोर्डेबल प्राइस रेंज के अंदर तो टेक्नो के पहले फ़ोन काफ़ी ज़्यादा अच्छे सेल आउट होते हैं, जैसे कि टेक्नो का स्पार्क 20 प्रो प्लस था वो भी इसी तरह की स्पेसिफिकेशन लेके आ रहा था, मार्केट के अंदर काफ़ी अच्छा वेल रिसीव हुआ, काफ़ी ज़्यादा अच्छा सेल हुआ। आप देखते हैं टेक्नो कैमन 30s इसी रीत को बरकरार रख सकता है कि नहीं। तो ये था जी कुछ इसका ओवरऑल लुक, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा, और आप कैसा सोचते हैं टेक्नो के कैमन 30s प्रो को। तो मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह एक और मज़ेदार सी वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।